हम इस समय आलापुर थाने के अंतर्गत ग्राम सभा महेशपुर मंडल पहुँचे हैं, जो अम्बेडकर नगर का थाना है। यहाँ पर एक जमीन का विवाद है, हम जानते हैं आपका परिचय क्या है। नाम दुर्गेश है। और आपका लफड़ा क्या है? लफड़ा रामलाल मौर्या जबरदस्ती हमारी जमीन में कब्जा ले रहे हैं, आज ही ईंट गिराए हैं। कौन सा ईंटा? सामने वाला जी। सामने वाला ईंटा। आपका जमीन कहाँ से है? यहीं से, जहाँ खड़े यहीं से है। यहाँ पर कोई मेड़ी नहीं दिख रहा है? वो मेड़ जो उठा लिया है, मेड़ जो थे तो पहले, फिर से हमने बांधा, फिर आज ट्रैक्टर से खंसवा दिए हैं। अच्छा, एक बार मेड़ जोते फिर आपने बांधा? पहले कितना दिन पहले? 21 तारीख को। जी हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि एक हफ्ता पहले बांधा गया है, लेकिन एप्लीकेशन दिए हैं, बल्कि आज के 5 महीना पहले बाबू साहब थे, बताइया कह रहे 7-8-10 लोग। नहीं नहीं, जैसे एप्लीकेशन दिए थे तो एप्लीकेशन पे आपने क्या किया? एप्लीकेशन के पहले ही मेड़ बन चुकी थी हमारा, इनका इनका डर चुका था वहाँ, और ये ईंट उखाड़ कर फेंक दिए। भाई साहब क्या एक सही कह रहे हैं? नहीं गलत बोल रहे हैं। प्रधान से पूछिए, इनसे पूछिए, राकेश इनसे पूछिए, पहले हमारे में आप विश्वास है पहले। एक मिनट सब गलती। चकबंदी के बाद से हम इनसे जुताई कर रहे हैं, चकबंदी से। अरे बुढ़ऊ रहना चाहिए, हमारी तो होना, हम लिख देना, हम ले ले। लेकिन आपका जमीन यहाँ पर था, इन्होंने कोई मुकदमा किया है, हकबरारी का कोई कुछ किया था? हकबरारी कब हुआ था? जबरदस्ती का हकबरारी 29 तारीख को किए थे। 29 कब? 29 तारीख का, 29 तारीख की 5वां महीना 2024 को आपने हकबरारी किया था? हमने हकबरारी किया, हकबरारी नहीं, जब यहाँ पर मेड़ नहीं था तो आप हकबरारी क्यों किया? हमें पूछ रहे हैं, यहाँ मेड़ थी ही नहीं, तो हकबरारी कैसे कर दी? तो हकबरारी कैसे कर दिए? हकबरारी ये किए कि जबरदस्ती हमारे में जोतना चाह रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि हम हकबरारी कर दें, क्योंकि ये जमीन नहीं, जब आप जोत रहे हैं तो हकबरारी किस पर करेंगे? हकबरारी, अरे भाई लफड़ा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ये जमीन पहले इनकी चक वहाँ थी, तो इसके पहले दो निशान ना, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ बताइए, जब आप उस पर कब्जा है तो हकबरारी किस चीज के करेंगे? इसलिए कि लफड़ा कर रहे थे, इसलिए हमने लफड़ा कहाँ हकबरारी होता है? लफड़ा इसलिए होता कर रहे थे कि यहाँ से नहीं, यहाँ से मेरी है। जब आप यहाँ पर कब्जा किए हैं जी, जब उतने दूर कब्जा है तो हकबरारी, मेरे कब्जे में जब आने लगे तब मैं हकबरारी दाखिल किया। कहने का मतलब ये है चाचा जी, जितना दूर आप कब्जा किया, अगर आपके कब्जा में हो जाते तब हकबरारी आप करते? नहीं, कब्जा में आ रहे थे, ये कब्जा मेरा था। किए नहीं थे? अरे सर्वप्रथम मैंने क्यों नहीं, देखिए जोत कर बढ़ा रहा था वो, देखिए वो मेड़ वहाँ है, सीध मेड़ देख लीजिए, वो कहाँ जाएगी, देखिए वो मेड़ उसी की मेड़ में सीध मेड़। आप सब कितने दिन से जोत रहे थे इसको? हम जब से आले, जैसे ब्याह करके आए तब से हम यही मेड़ देखा थे, हमारे बाबा, हमारे पति, हमारे जेठ, हमारे देवर, सब हमारे यही बोत जोता था। मेड़ कहाँ थी? इतना कोई सही बताएगा? वो तो यही की मेड़ सच्चाई है, हकबरारी होगा तो पता चलेगा, जो जोतते थे पहले उधर हकबरारी में पता चलेगा। अरे उधर तो भाई पूछवा लीजिए, ठीक बोलिए बोलिए, किधर मेड़ थी पूछवा लीजिए। दादी मेड़िया कहाँ रहा? मेड़ बाबू जैसे चकबंदी भाई, जगन्नाथ रहना ही रहा में। हाँ? अब ना जाना था इनका कहाँ कब्जा है, हाँ? कहाँ लेकर बाकी ये हर जोत बोत रहना, ये हर बोत रहना। आपको घरा कहाँ है? कुंजू ना बोत रहने, कुंजू बोले रहना, कुंजू उनका जहाँ भर तहाँ ले लहना, नहीं तो कुंजू बोले रहना। जब रन तू बोला सुना भाव, झगड़ा करने का ना काम है, जब जब से चक की कटल तब से हमारे जेठ यही पर से जोत रहे हैं। अच्छा, आपकी जेठ कौन है? मर गई, जगन्नाथ करी रहा, अब यही से चाहे ये बेमानी कर। अरे 3 दिन दे दे दुकान लेके, 1 मिनट दे दे अपनी तारे में, हम मनाए करे आगे बाबू, हम बता सके पहले से बेटा यही से रहा, देख लो कहे यही पर से तू बोत रहा, जगन्नाथ बोत रहना। हकबरारी में क्या हुआ था? हकबरारी मान लीजिए वो खारिज हो गई। क्या हो गया था? पहले हम दस्ती पहले वहाँ पे जो नदी बोई गई थी कोने पे, उस कोने कब हो गया? कम से कम 3 महीने पहले।
तो क्या हुआ उसका? पहले कोई वहाँ पे उखाड़ दिया, हमने सोचा कि कोई दूसरा उखाड़ा होगा कोना पे वहाँ पे, उसके बाद जबरदस्ती उन्होंने वहाँ पे जो दिया कोना, उसके बाद हमने उसमें उसकी शिकायत कहीं आपने किया? उसका शिकायत हमने कहीं नहीं किया, दस क्षेत्र पे शिकायत किया था लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ, कोई निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद हमने वहाँ पे बैगन का पेड़ लगाया, वो भी नहीं जोता, फिर एक बार हमने फिर मेल बाधी, फिर दोबारा तोड़े, अब की बार दोबारा तोड़ के फिर हमने बाना मेल, हमने थाने में भी शिकायत दर्ज की लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पुलिस फिर जबरदस्ती इन्होंने ईंट के वाली के दी। आप यहाँ इस को कैसे जानते हैं भैया? हम तो आई जाए एकदम जोता तर जोत दहले हमें डूब हुआ। कौन जवान भैया जौन कहे सही कहे ये जान लेना डूब हुआ जोत दहले राम इनका बोल बोल है तो फिर इनका परिवार आई के रोकलो कल है फिर डुढ़ुआ बन अभी तहन हमारे वहाँ है कब्जा पहले कौन किया था? कब्जा ही नहीं रहा, कब्जा इनका था जी, कब्जा इनका था, इन ये हकबरारी किए कैंसिल हुआ फिर जबरदस्ती अपना कर रहे हैं। कब्जा कहा हुई तब फिर तक बात है। हाँ बताया कि वो क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये भी कहा कि हम 302 के मुजरिम हैं, हमारा थाना पुलिस कुछ कर नहीं सकता इसलिए हमें कोई डर नहीं है। कौन बोल रहा था? हमारे विपक्षी रामला मौर्य।